जब हम डोम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो कोड है वो हमने एक फाइल के अंदर कोड लिखा और उस फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया आप देख रहे हैं कोड कितने फंक्शन लिखे जा रहे हैं तो ये इस तरह तो अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी तो आपके फंक्शंस बढ़ते जाएंगे तो कोई ना कोई वे होना चाहिए इस सारे कोड को मैनेज करने का तो डिफरेंट वेज़ हैं कोड को मैनेज करने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को हम अब डिस्कस करेंगे जैसे कि अगर हम देखा जाए एक है ऑब्जेक्ट लिटरल वे है ऑब्जेक्ट लिटरल दूसरा मॉड्यूल पैटर्न है तीसरा रिवीलिंग मॉड्यूल पैटर्न फिर ए, कुछ बने बनाए लाइब्रेरीज हैं जैसे कि ए एम डी मोड्यूल और कॉमन जी एस कॉमन जी एस मोड्यूल समथिंग लाइक दिस तो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं तो हम जो है वो इन तीन पे फोकस करेंगे तो अभी उसके उस, उस सिलसिले में तो जो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट लिटरल है हम उसकी तरफ आते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल पैटर्न क्या कहता है किस तरह हम काम करते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल देखें जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है वो आपको पता होगी कि वो कर्ली ब्रेसेस होती है यहाँ पे की होती है और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होती है फिर कोमा नेक्स्ट की एंड वैल्यू लाइक दिस तो इसी को इसी का यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट लिटरल पैटर्न बनाते हैं मॉड्यूल यानी जो हमने काम किया होगा जैसे एक पर्सन एक की क्लास है उसके मेथड है ऐड प्रिंट साइज फाइंड डिफरेंट उसके अंदर जो काम है जैसे हमने इस एप्लीकेशन में किए थे तो हम इनको मॉड्यूल के अंदर लेके जाते हैं कैसे वो होता है दिस हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट पर्सन मॉड्यूल राइट ये लिखा और ये यहाँ पे हम आपके अपने फंक्शन और जो भी हमने डिफ़ाइन करना persons, है वो कैन डिफ़ाइन हियर सपोज ऐसे पर्सन एक अरे है काउंटर ज़ीरो हम ये चेक चार करना चाहते हैं कि पर्सन में ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर डाटा को पर्सन का हम ये काम करना एक पर्सन की क्लास है बल्कि वो भी हम बना लें यहाँ पे पर्सन की क्लास या फंक्शन हम कहें तो ऐसे फंक्शन पर्सन और इसके अंदर हम कहते हैं जी आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर एंड हेयर इसे दिस डॉट आई डी जिकल्स टू आई डी दिस डॉट फर्स्ट नेम इस टू फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम इज टू लास्ट नेम दिस डॉट जेंडर इजिकल्स टू जेंडर तो ये हमने एक पर्सन की क्लास बना ली है एक यानी कि इसके अंदर हमारा डाटा आएगा देन वी से काउंटर ऐड अब एक फंक्शन ऐड करता हूँ ऐड का फंक्शन है हम यहाँ पे उसको पास करेंगे कोई ना कोई वैल्यू uh, इसको पास कोई ना कोई इसको हम uh, आर्गूमेंट पास करते हैं सो वी कैन राइट लाइक दिस पर्सन ये एरो एरो फंक्शन है हमारे अगर मैं एरो फंक्शन के नॉर्मल फंक्शन यूज़ करता हूँ यू कैन यूज़ डैट फंक्शन जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं सो वी से फंक्शन any function which is like this person and i say now person module dot persons is ki kis location ke upar first location pe persons module dot isko main copy kar leta hu person module dot counter इस location पे जो first zero होगी ये कोई भी आप value यहाँ पे set करते हैं इसकी इसके अंदर वैल्यू सेट हो गई देन आई से पर्सन मोड्यूल डॉट काउंटर प्लस प्लस तो क्या होगा ये फंक्शन क्या करेगा ये फंक्शन इस अरे के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू इसको देंगे वो इसमें ऐड करेगा और काउंटर भी इंक्रीमेंट कर देगा ज़ीरो लोकेशन वन लोकेशन टू लोकेशन लाइक दिस नाउ आई से सेकंड फंक्शन चले इसको देख लेते हैं इतने को लेकिन इसके लिए प्रिंट के बगैर ये आपको पता नहीं लगेगा वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई then i say comma print second function function ये आपको कुछ नहीं करेगा जस्ट इसमें आपने क्या कर देना print कर देना so i say person modules dot persons dot for each इसको iterate करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे कोई भी आइटम ये वेरिएबल जो लूप के जरिए क्योंकि तो इसको हाइड्रेट करने जा रहे हैं आई प्रिंट सेयर कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग उसी को पर्सन को प्रिंट कर देते हैं तो ये हमारा एक लिटरल बन ऑब्जेक्ट लिटरल लोटेशन है तो हम कैसे इसके साथ ये काम कर सकते हैं अगर हम इसको यूज करेंगे तो से पर्सन मोड्यूल डॉट एड न्यू सन वन अली इमरान मेअ राइट ये एक ऐड हुआ एक और ऐड कर देते हैं सेकेंड ऐड करते हैं टू आमिर सहेल राइट एंड नो एक्स ए पर्सन मॉड्यूल डॉट प्रिंट तो अब मैं इसको रन करता हूँ नहीं जी ये इसने क्या किया ऐड किया और ये दोनों आपके आप ये चेक कर सकते हैं दोनों प्रिंट हो रहे हैं तो ये काम आपने जो जो प्रीवियस डॉम प्रोडक्ट के अंदर जो हमने ये काम किया था आप इस सारे के एक मॉड्यूल बना के यू कैन यूज़ दो मॉड्यूल इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट लेटर के ज़रिए इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो, तो, तो नेक्स्ट इसमें और ऐड करते हैं एक और फंक्शन में ऐड करता हूँ साइज़ ऐसे uh, कितने अभी तक इसका यानी कि कितने अभी तक रिकॉर्ड इसमें आ चुके हैं साइज ऑफ़ द अरे तो हमसे फंक्शन सो आई कैन से लाइक रिटर्न पर्सन मड्यूल डॉट काउंटर उसका काउंटर रिटर्न कर देगा देन आई से फाइंड करके दिखाए आई की बेस के ऊपर फाइंड कॉलन फंक्शन सपोज आई से बेस ऑन आई आई की बेस के ऊपर क्या करेंगे ये आपको रिटर्न कर देगा रिटर्न पर्सन मोड्यूल डॉट पर्सन डॉट फिल्टर फिल्टर क्या करता है फिल्टर का फंक्शन फाइंड करता है एनी वेरिएबल जो भी आप ले लें इसमें एफ चलें एफ ले लें फाइंड के लिए एरो एफ डॉट आई डी इज इक्वल टू जो हमने आई उसको पास किया अगर ये है तो वो वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा लेट ट्राई टू फाइंड इट प्रिंट की बजाय मैं कहता हूँ फाइंड तो टू तो क्या करेगा ये टू आईडी वाला पर्सन फाइंड करेगा जिसका आई डी टू है डॉट फाइंड ओके ये रिटर्न करेगा आपको उसका कंसोल करवाना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉक क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है प्रिंट नहीं कर रहा प्रिंट आपने खुद करना है

ट्राई टू फाइंड समथिंग इक्वालिटी चेक करना है ये देख हमने सर्च करना है यानी ये आपको पता है ये फंक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर यानी इसको डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं इसकी जगह रिटर्न सिंगल लाइनर तो अब दोनों में से जो मर्जी इक्वल मैंने इक्वल साइन ऑपरेटर यूज कर लिया था या इक्वालिटी हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर यूज होना है दिस वाज द मिस्टेक अब वही वाला पर्सन आ गया अगर मैं वन कहूँगा तो वो उस एरे में से वन करेगा ठीक है जी अब वन वाला एक्चुअल पर्पस ये है इस इसका हमारा पर्पस है कि हमने ये ये देखना है कि ऑब्जेक्ट लिटरल मॉड्यूल क्या होता है अब ये ऑब्जेक्ट लिटरल मॉड्यूल में अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो वट वी कैन से अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाटा मेम्बर्स को एक्सेस करूँ तो आई कैन डू दिस मैं सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ लेकिन आपको पता है हम डाटा को हाइड करते हैं देखो दोनों रिकॉर्ड आ गए तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट लेटर मॉड्यूल में जो इसका ड्रॉबैक ये है कि आप आपके जितने में इसके अंदर आप कुछ वेरिएबल या फंक्शन नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे वेरिएबल फंक्शन पब्लिक है यानी यू कैन एक्सेस वाया दिस पर्सन मॉड्यूल इस ऑब्जेक्ट के जरिए तो क्या है उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल पैटर्न मौजूद है तो अब हम मॉड्यूल पैटर्न नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मॉड्यूल पैटर्न ओनली मॉड्यूल पैटर्न ये क्या था ऑब्जेक्ट लिटरल पैटर्न जिसके जरिए आप ऑब्जेक्ट लिटरल बनाते हैं और इसको आप यूज़ uh, कर लेते हैं लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक